वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अज पंजाबियों नाल कुछ गल्लां करना चाहना। कोविड की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, दुनिया च सारे देशों तो ज्यादा बीमारी हूँ अपने देश हिंदुस्तान च। इस संबंध में मैं तीन गल्लां करना चाहना। सब तो पहले मैं सारे पंजाबियों नूं बेनती करना चाहना है कि इस बीमारी नूं तां जित सकते हैं जे आपां वैक्सीनेशन कराइए। मैं पिछले दो तीन महीनों च कई लोगों नूं मिलिया, पिंडां च गया, शहरां च गया, मंडियां च गया। आम जनता दे मन च वैक्सीनेशन दे खिलाफ धारणा बनी है कि इहदा कोई फायदा नहीं ते इहदा नुकसान हो जांदा है, ते उह वैक्सीनेशन तरफ मन बना नहीं रहे। मैं सारे पंजाबियों नूं ते देशवासियों नूं कहना चाहुंदा हां, जे आपां वैक्सीनेशन कराएंगे तां ही आ जंग जित्तांगे। कई मुल्कां ने 100% वैक्सीनेशन कर ली है, जिवें इजराइल मुल्क है, 100% उन्होंने अपने सिटीजन नूं वैक्सीनेशन कर दिता है ते हुण उत्थे बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। अपना देश है, लोग हजारां लोगों दीआं मौतां हो रही है, 4 लाख ते वध केस करोना दे हो गए है। जे आपां वैक्सीनेशन करावांगे अगले 6 महीनों के अंदर पूरा देश वैक्सीनेट होगा तां ही आपां बचांगे। जे आपां नहीं करावांगे तो हजारां लोगों की होर जानां जाणगीआं, ते जिवें अपने 3-2 साल बर्बाद हो गए जिंदगी दे, उवें अगले साल बर्बाद होंगे। सो मैं पहली बेनती दा कि सारे वैक्सीन कराओ। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन करा ली है। तो इस करके आप भावें 18 साल के हो भावें बुजुर्ग हो, आपां वैक्सीनेशन तो डरना नहीं चाहिए। दूजी बेनती मैं आप बेनती करना चाहना कि पंजाब विच हालात बहुत बिगड़ गए। पिछले कई दिनों तो मैं रोज 400-500 टेलीफोन आता है, किसी बैड की लोड़ है, किसी ऑक्सीजन की लोड़ है, किसी दवाइया की लोड़ है। जितों तक मेरा हों, मैं डीसी भी टेलीफोन करता, मैं कमिश्नर भी कॉल करता, मैं SMO भी टेलीफोन किया कि जिथे बैड दवा सका मैं दवाने की कोशिश की है, पर हालात बहुत बिगड़ गए। मैं मुख्यमंत्री पंजाब को बेनती करना चाहना है कि तुसी हर रोज डिप्टी कमिश्नर तो पता कराओ हो की रहा जिले च, डेली रिपोर्ट लो। जेडे अपने चीफ सैकटरी है उन्हें नाल ते अपने हैल्थ सैकटरी जो डिपार्टमेंट कोविड की तुसी टीम लाई उन्होंने डेली मीटिंग करो, क्योंकि जो हालात पंजाब च है शायद थोनू पता नहीं लग रहा। इन्नी बिगड़ी हालात है, जेडे इंजैक्शन है फॉर एग्जाम्पल आएगा इंजैक्शन रेमडेसिविर जिहड़ा मतलब 1000 रुपये कीमत नहीं, 30-30 हजार रुपये का ब्लैक मार्केट मिल रहा है, वह भी नहीं मिल रहा। लोग मिन्नत कर रहे हैं, जिहड़ी कोविड दी दवाइयां हस्पतालों खत्म हो गई, लोग जिथों हिम्मत करके मिल सके उत्थों कोशिश कर रहे हैं। 500% 1000% ब्लैक उन्होंने चल रही है। ऑक्सीजन की बड़ी मारोमारी है, कमरिया की बैड की बड़ी मारोमारी है। तुसी हैरान रह जाओ, एम्बूलेंस एक पेशेंट नूं अपने घरों ले जाने वास्ते हॉस्पिटल च कोई 10 हजार रुपये ले रहा है, कोई 20 हजार रुपये ले रहा है। इस करके मुख्यमंत्री जी मैं थोनू आई बेनती करना चाहना है, आ जिम्मेवारी थोड़े कोले थोड़ी है, तुसी पंजाब दे मुख्यमंत्री हो। आ समा बड़ा औखा है, जो सहयोग साथों चाहुंदे असीं देवांगे, असीं पहले भी दिंदे रहे हैं, सारियां पार्टियां सारे लोग सहयोग देने को तैयार है। पर बेनती है कि जिहड़े तुसी हिम्मत करके सारे गवर्नमेंट नूं कंट्रोल तुसी कर दिओ, पर ऐ लग नहीं रहा जिवें कोई गवर्नमेंट कोई जिम्मेवारी संभाल रही है। जिवें मैं डीसीज नाल गल कीती, मैं SMO नाल गल कीती, इक्को जवाब हुंदा साडे कोले है नहीं जी, साडे कोले दवाई है नहीं जी, साडे कोले ऑक्सीजन है नहीं जी। जिम्मेवारी तो सरकार दी है, जे बाहरों इंपोर्ट हो सकता उत्थे इंपोर्ट कर लो, जे नाल दे सूबियां तो कितें मिलदी है उत्थों मिल लो, जिथे कंपनी बनदी है उत्थे अफसर भेज के उत्थों मंगा लो। सो मैं आई बेनती करना मुख्यमंत्री जी नूं कि तुसी आ जिम्मेवारी संभाल के आ जिहड़ी महामारी विच, क्योंकि थोड़े कोले साधन है, थोड़े कोले सरकार है, थोड़े कोले सारे सिस्टम्स है जिद नाल आ लड़ाई जित सकते हैं, आपां जित सकते हैं। जे मुख्यमंत्री जी तुसी कंट्रोल करके सारी हिम्मत करके तुसी आ सारा कुछ अपने कंट्रोल लो, अफसरां दे तुसी छड़ दित्ता है। अफसरां छड़ना की हो रहा, कोई रिस्पोंसिबिलिटी लै नहीं रहा। मैं जायदा मैं अफसरां नाल गल करके देखिया, वह रिस्पोंसिबिलिटी लैण नूं तैयार ही नहीं है, वह तो अपना टाइम पास करने लगे है। इस करके इलैक्टेड गवर्नमेंट मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होंगी है
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੋ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 9908000013। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9908000013, ਪਹਿਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9777171507। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8427544763। ਆਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਡੋਨਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਸਕਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹਰਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੀਏ, ਮਾਸਕ ਲਾਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।